यूपी तक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। 17 से 18 मार्च अयोध्या में, रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास कार है और आप रील बनाने के शौकीन हैं, तो हम आपको यही सलाह देंगे जो कारनामा इस शख्स ने किया है वो आप भूल कर भी, गलती से भी मत करिएगा, वरना लंबा निपट सकते हैं आप। क्या ही जमाना आ गया है, लोग रील बनाने के शौक के चलते क्या क्या नहीं कर डालते। अब इन्हें शख्स को देख लीजिए, इन्हें कोई और जगह नहीं मिली तो इस सीधा अपनी भारी भरकम गाड़ी लेकर प्लेटफॉर्म पर ही जा घुसे। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स प्लेटफॉर्म पर ही कार चलाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में युवक आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर MG हेक्टेयर कार लेकर पहुंचता है। कार चलाते हुए बेखौफ बेधड़क रील बनवाता है, कार प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के करीब ले जाता है और अपना भौकाल टाइट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। रात 11:30 बजे बेखौफ होकर आराम से अपनी रील बनाने के बाद स्टेशन से बाहर निकल जाता है। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया। रेल प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं का उल्लंघन होने के बाद अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं और गाड़ी के नंबर को दर्ज करते हुए अज्ञात चालक के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करते हैं। रेल प्रशासन की कार्रवाई के बीच में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। रेलवे अधिकारियों ने वायरल वीडियो पर ही कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए चालक की शिनाख्त की। आगरा कैंट RPF थाने में जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले कार मालिक सुनील के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 159 और 147 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो 8 मार्च 2023 का बताया जा रहा है। डीसी मैम, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि रेलवे प्रशासन की व्यवस्थाओं पर, सुरक्षा व्यवस्था पर यात्रियों की एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुरक्षा के साथ में यात्रियों की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। किस तरीके का ये कार्रवाई? सोशल मीडिया के माध्यम से ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। ये 8 मार्च की घटना है, रात को 11:30 बजे की, और रेल प्रशासन इस पे बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। सुबह संज्ञान में आने के बाद तुरंत इसमें इंक्वायरी करके और श्री सुनील कुमार नाम के व्यक्ति जो जगदीशपुरा आगरा के निवासी हैं, उनके खिलाफ धारा 159 और 147 रेलवे एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी गई है, और जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी इसमें डिपार्टमेंटल एक्शन इमीडिएट इफेक्ट से किया जा रहा है। मतलब RPF का बिल्कुल बगल में ही है थाना, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? बिल्कुल, यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से एक लैप्स है, इसको हम स्वीकार करते हैं और इसीलिए इस पे तुरंत कार्यवाही कर रहे हैं, और आगे से इस प्रकार की घटना ना हो इसका करेक्टिव एक्शन लेने के लिए हम उस एरिया में बैरिकेड्स भी लगा रहे हैं, ताकि गलती से भी कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर कभी घुस नहीं पाए। फिलहाल प्लेटफॉर्म पर कार चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद से ही रेलवे में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवक कार लेकर प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच गया? RPF और GRP टीम उस समय क्या कर रही थी? आरोपी युवक सुनील का एक फोटो सोशल मीडिया पर और वायरल हुआ। वायरल हो रहे फोटो में आरोपी सुनील उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी सुनील के कैबिनेट मंत्री से करीब के संबंध है, संबंध कितने गहरे हैं ये तो पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज करने के बाद RPF टीम आरोपी की तलाश कर रही है। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।